लीलूराम जी क्या समस्या है अब? ये जी 2-3 महीने से पानी भरा है जी, फाइल भी बनवाई, महकमे पास भी गए, उन्होंने कनेक्शन तो दिलवा दिया और पंप नहीं दे रहे। को 10-15 बार जा भी चुके हैं, जावा जब ये यही कहें हैं भाई पंप नहीं है महकमे के पास, और अब हम पंप कहाँ से देवें, उनका ये जवाब है, कोई संतुष्ट जवाब नहीं है जी। और एक पंप हमने पहले जो रखा था वो जड़ लिया, दूसरा फेर ले रहे हैं मंगन, और फसल बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद हो ली है। कौन सी फसल में ज़्यादा दिक्कत है? धान की फसल है जी, अब ये धान वाली बर्बाद हो ली, आगे गेहूं भी नहीं बोएंगे, दोनों फसल दोनों खराब होगी जी। कितनी फसल खराब हो चुकी है? 200 किलो यहाँ ये 150 एकड़ में पानी है जी, 150-200 एकड़ में पानी। अच्छा, और भी बारिश बता रहे हैं? हाँ बारिश है जी, कल की बारिश बता रखी है जी, आज की बता रखी है, पहले से फसल खराब हो रही है और अब और बारिश होगी तो पानी निकल नहीं रहा, हम तो बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे जी। क्या नाम आपका? आनंद है जी। आनंद बताएं क्या दिक्कत है, क्या आ रही है, क्या समस्या? दिक्कत तो जी हमारी है, 2 फुट तो पानी है जी, 200 एकड़ में पानी है जी यहाँ पर, और ये धान की फसल है जी हमारी पूरी बेकार हो चुकी है, धान की फसल हमारी पूरी बेकार हो चुकी है, आप देख लो जी। और यो जी इसमें सरकार हमारी कोई मदद नहीं कर रही जी, प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा जी हमारी, ये भी इसमें जी आग गेहूँ बोने की हमारी उम्मीद खत्म है जी इसमें। क्या कह रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी? प्रशासन ये कह रहे हैं जी हमारे पास मोटर नहीं है जी, हम क्या करें, तो हम क्या करें जी, जमींदार तो हम तो कति मर गए जी। अच्छा, 1 एकड़ में कितना जो धान की फसल आप कह रहे हो बर्बाद हो चुकी है, 1 एकड़ में कितना खर्चा आता है? खर्चा जी इसमें 10-15 हज़ार रुपया खर्चा आ जाता है, 1 किले में 15 से 20 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है। 25-30 हज़ार के दान हो जी, फिर ठेका भी है जी, 25-30 हज़ार रुपये ठेका भी देना पड़ता है, हम तो कति मर लिए जी। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जी प्रशासन हमारी मदद करो यार, ये पानी निकलवाया जाए। क्या नाम आपका? सतेंद्र नाम है। सतेंद्र बताएं आप किसान हैं, क्या दिक्कतें हैं? दिक्कतें ये है सर, यहाँ कम से कम 150-200 एकड़ में पानी भरा हुआ है, 2 से 2.5 फीट तक पानी भरा हुआ है, धान की फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, और 25-30 हज़ार रुपये ठेका जिसकी ज़मीन ले रखी है उसको देना पड़ेगा, अब धान में कुछ बचेगा नहीं, आगे गेहूँ की बिजाई नहीं हो सकती, ऐसा काम हो रहा है। प्रशासन से कई बार गुहार कर चुके हैं हम, और इस रोड के साथ साथ एक नाले की खुदाई की जाए तो ड्रेन में पानी निकल सकता है, हमने अपने इकट्ठे हो गए ना पंप लाए, पंप जड़ गया, फिर दूसरा लगाया, उसको चला रहे हैं, अब लाइट भी समय पे नहीं मिल रही, 2-2.5 घंटे आवा है फिर कट मार गया है, उसी के पास बैठा रहना पड़ता है हमको, तो इसलिए प्रशासन से हमारी बार बार यही गुहार है कि हमारी मदद की जाए।